Hey everyone, welcome to Shom's IS. I'm Shivangi Sharma, and here I'm with chapter 2nd of class 7th history. And the second chapter is Kings and Kingdoms. So, as the name suggests, हम पढ़ने वाले हैं किंग्स और किंगडम्स के बारे में इस चैप्टर में. सो 17th सेंचुरी के बाद बहुत सारी न्यू डेनेस्टी एमर्ज हुई. सो अगर यहाँ पे हम देखें मैप नंबर 1 में, तो हमें यहाँ पे मेजर रूलिंग डेनेस्टीज देखने को मिलती है हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में. सो यहाँ पे देखो कितने सारे हमें देखने को मिलते हैं, राष्ट्रकूतास, चोलास, कलिंगास, द उत्काला, पालास, करमपुरा एंड ऑल. ठीक है, इतने सारे हमें यहाँ पे थ्रू आउट द कंट्री देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, सो कैसे न्यू डेनेस्टीज एमर्ज हुई हमारी कंट्री में, द न्यू एमर्जेंस ऑफ न्यू डेनेस्टी. सो 17th सेंचुरी में, मतलब 17th सेंचुरी तक जो थे बहुत ही बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे और जो भी वॉरियर चीफ्स थे, वो उनको ना एक डिफरेंट रीजन दे दिया गया सब कॉन्टिनेंट का. जो भी एग्जिस्टिंग किंग्स थे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्नॉलेज करते थे एक, मतलब ठीक है, और उनको नाम दे दिया जाता था समानता से. ठीक है, सो ये जो भी समानता थे उनकी अलग पार और वेल्थ हो जाती थी. ठीक है, तो जब इनके पास ज़्यादा पार और वेल्थ हो जाती थी तो इनको महासमानता या महामंडलेश्वरा का नाम दे दिया जाता था, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन. ठीक है, मतलब जो भी पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन का उसको ग्रैंड लॉर्ड घोषित कर दिया जाता था. ठीक है, ये जो है मतलब किंग्स के अंडर काम किया करते थे बेसिकली. और जब इनके पास बहुत ज़्यादा ही पावर हो जाती थी तो ये खुद को इंडिपेंडेंट कर देते थे, वो राजा को खुद से अलग कर देते थे. ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है राष्ट्रकूतास का इन द डेक्कन. सो यहाँ पे हमने राष्ट्रकूतास देखे मैप में, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. सो यस, हियर आर द राष्ट्रकूता इन द डेक्कन. ठीक है, हाँ. सो इनिशियली ये जो भी चालुक्यास थे कर्नाटका में, उनके सबॉर्डिनेट थे. ठीक है, बट मिड 18th-19th सेंचुरी में दांती दुर्गा जो उनके राष्ट्रकूता चीफ थे, उन्होंने चालुक्य को ओवरलोड कर दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसका मतलब था गोल्डन वर्म, यानी कि सोने की गोद से जन्म लेना. ठीक, मतलब सोने की गोद. सो ये रिचुअल इसीलिए किया जाता था, इनमें ब्राह्मण्स का एक बहुत बड़ा हाथ था. ये इसलिए किया जाता था कि अगर आप किसी भी क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो आप ये रिचुअल करके एक रीबर्थ लेते हो ऑफ द सेक्रीफायर एज अ क्षत्रिय. ठीक है, मतलब आप एक क्षत्रिय का रीबर्थ लेते हो. ठीक है, इवन ही इज नॉट ओन वन बाय बर्थ, अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं हो तो आप हिरण्यगर्भ की प्रैक्टिस करके खुद को क्षत्रिय बना सकते हो. ठीक है, अदर केस इसमें जो भी मेंस थे, मतलब जो भी एंटरप्राइजिंग फैमिलीज थी उनके मिलिट्री, मतलब उनको किंगडम के लिए उनके मिलिट्री स्किल्स के लिए यूज़ किया जाता था. फॉर इंस्टेंस जो कदम्ब मयूर शर्मन हैं एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस टू एंड टुक टू आर्म्स. मतलब ये ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ दिया और आर्म्स यानी कि आर्मी में आ गए. ठीक है, जो अपने कर्नाटका और राजस्थान के किंगडम्स के लिए उन्होंने मतलब सक्सेसफुली अपने जो है वो अपना वो छोड़ के, अपना जो उनका ब्राह्मण था वो कल्चर छोड़ के वो लोग उसमें आ गए ताकि वो आर्मी अपनी आर्मी के लिए कुछ कर सके. ठीक है, अपने आर्मी में उन्होंने पार्ट लिया. अब किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, देखो जो किंग्स थे उनको ना एक टाइटल मिल जाया करता था जैसे जैसे वो ग्रो होते थे. ठीक है, एक हाउस हाई साउंडिंग उनको टाइटल मिल जाता था, जैसे महाराजा अधिराजा, अ ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, यानी कि तीनों लोगों का जो लॉर्ड है, थ्री वर्ल्ड्स आर द थ्री लोक्स, उन तीन लोगों का लॉर्ड उनको नाम दे दिया जाता था त्रिभुवन चक्रवर्तिन. ठीक है, इस क्लेम्स के अलावा ये अपनी समान जो भी समानता थे उनके साथ भी पावर शेयर करते थे. ठीक है, और पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण से भी ये एसोसिएटेड थे. द ईच ऑफ द स्टेट, जो भी बेसिकली स्टेट्स था उसमें बहुत सारी पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे. ठीक है, मतलब ये चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, दे आर द प्रोड्यूसर्स. सो इनको काफ़ी मतलब इनको जो भी ये प्रोड्यूस करते थे ना उनको ये सरेंडर करना पड़ता था, उनको देना पड़ता था जो भी उस टाइम के मतलब जो भी रूलर है, जो भी लॉर्ड है, उनको उनको देना पड़ता था एज अ रेंट या फिर आप टैक्स भी बोल सकते हो.
एज अ रेंट आप उसको पे कर देते थे, ठीक है, जो भी आपका जितना प्रोड्यूस करते हो उसका कुछ पार्ट आपको उनको देना पड़ता था। जो ट्रेडर्स थे उनसे रेवेन्यूज भी कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। 400 टैक्सेस, देखो जो चोलास थे जिन्होंने तमिलनाडु पे रूल किया, उनके 400 से, मतलब 400 से भी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के उनके पास उन्होंने टैक्सेस इम्प्लाई करके रखे थे उनके ऊपर। द मोस्ट फ्रिक्वेंट टैक्स है डैट इज़ वेती, जो कि कैश के फॉर्म में नहीं होता था, वो मतलब लेबर की फॉर्म में होता था, और कदमाई और लैंडर, और जो मतलब कदमाई इज द लैंड रेवेन्यू, और उसके अलावा थैचिंग द हाउसेज एंड यूज द लेडर टू क्लाइम पाम ट्रीज एंड सेस्ट द सक्सेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये रिसोर्सेज जो है उस टाइम पे किंग्स की जो फाइनेंस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब किंग के फाइनेंस में उसको, जो किंग्स का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका जो भी किंग का जो वो होता है जिसमें उसका सारा खजाना वगैरह होता है, ठीक है, जो भी जायदाद होती है काइंड ऑफ, उसमें इसको और ऐड कर दिया जाता था, ठीक है, मतलब जो भी तिजोरी होती थी, ताकि आगे जाके उससे जो है और टेम्पल्स और फोर्ट्स बना सके। फोर्ट्स क्यों? ताकि वो लड़ाई लड़ सके, लड़ाई इसलिए ताकि वो और ज़्यादा एरिया कवर कर सके, ठीक है। मतलब हाँ, अगर उनको ज़्यादा लड़ाई करनी है, उनको लीड करना है, तो इसके लिए उनको फोर्ट्स की ज़रूरत तो है ही है। उसके अलावा अगर उनको जीतना है, उनको इसलिए जीतना है ताकि वो और ज़्यादा लैंड अपने अंदर ला सके, और ज़्यादा ट्रेड रूट्स भी खोल सके, मतलब अपने अंदर आ सके। जो इनका फंक्शनरी थी, कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो एक्चुअली जो भी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और जो भी पोजीशन थी, मतलब हेरिडेटरी की, जो भी उनके रिलेटिव्स थे जिनको वो उनके नीचे नीचे, मतलब जैसे होता है ना राजा के बाद जो भी नीचे नीचे वो आते हैं मंत्रीज, उसमें बेसिकली राजा अपने रिलेटिव्स को बिठा दिया करता था उस टाइम पे, तो वही लोग जो है वो सारा ये टैक्सेस वगैरह का काम किया करते थे, ठीक है। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, सो प्रशस्ति जो भी होती थी ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सच हो, वो कभी ना कभी बड़ा चढ़ा के भी बोल दिया करते थे। जैसे रूलर खुद को, मतलब वो उनको बता देते थे रूलर्स कि तुम हमें ऐसे डिपिक्ट करो, फिर वो ऐसे ही बताते थे, एज वॉलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स, फॉर एग्जाम्पल दीज वर कम्पोज बाय द लर्न ब्राह्मणास, जो भी ब्राह्मण्स थे ना, जो भी लर्न ब्राह्मण्स थे, वो इनको कंपोज क्या करते थे, बड़े बड़े भारी भारी अक्षर लगा दिया करते थे राजा के नाम के पीछे, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करते थे, ये वो लोग होते थे। देखो द अचीवमेंट ऑफ नगभता, मैनी रूलर डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ प्रशस्तीज, मतलब प्रशस्तीज में बेसिकली क्या होता था, रूलर्स की वही शो किए जाते थे। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में लिखा जाती थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे हमें यहाँ पे ज़्यादा को देखने को मिलती है। उसके अलावा नगभता एक परित्रक किंग थी, उनकी हमें एक प्रशस्ति यहाँ पे देखने को मिलती है कि किंग्स ऑफ आंध्रा सिंधवाना वीरभद्रा एंड कलिंगा पार्ट फेल्स बिफोर हिम एज ही वॉज अ प्रिंस, ये बोलते हैं कि ये सारा जो है ये सारा एरिया उनके अंडर आता है। उन्होंने चक्र योद्धा के उन्होंने उनको हराया है, जो कि कन्नौज के रूलर थे। उसके अलावा वंगा के जो किंग थे, बंगाल का एक पार्ट है वंग, उनको भी उन्होंने हराया, और अनर्ता जो गुजरात में है, और मालवा जो मध्य प्रदेश में है, क्रीता जो फॉरेस्ट पीपल्स है, जो कुरुस्ता से तुर्क्स, और व्यस्ता से व्यस्ता मित्सा बौद्ध किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, इन सभी को उन्होंने विक्ट्री पाई इनके ऊपर, ये सारा उनके ऊपर था, ठीक है। जो भी ब्राह्मण इन प्रशस्ति को लिखा करते थे, किंग्स उनको एक पर्टिकुलर लैंड ग्रांट कर दिया करते थे एज अ गिफ्ट, और उसको ना ऐसे एक कॉपर प्लेट में उनका एक रिकॉर्ड बना दिया जाता था। इट वॉज अ रिकॉर्ड कि हाँ, हमने ये पर्टिकुलर लैंड इस पर्टिकुलर ब्राह्मण को दी है, ठीक है। फिर ये उस आदमी के पास होता था जिसकी जिसको लैंड मिलती थी, ठीक है। लैंड के साथ और क्या दिया जाता था, देखो ये एक तमिल सेक्शन का पार्ट है जो कि चोलास ने ग्रांट किया था। ये बोलता है कि हमारी डेमोक्रेटिक बाउंड्री है, जिसमें हम मतलब एक लैंड है जिसमें हम अर्थन एम्बागमेंट में एज वेल एज प्लांटिंग थोड़ने बुशेस, दिस इज वाई लैंड कंटेन्स, लैंड में क्या क्या है, लैंड में फ्रूट है, लैंड में ट्रीज है जिसमें फ्रूट आते हैं, लैंड में पानी है, लैंड है ऑफकोर्स, गार्डन है, ऑर्चार्ड है, ट्रीज है, वेल्स है, ओपन स्पेसिस है, पोस्टल लैंड है, एक विलेज है, एंथिल है, प्लेटफॉर्म है, कनाल है, डिचेस है, ठीक है,
मतलब क्या क्या लैंड में होता है। डाटेस रिवर है, सिल्ट लैंडल लैंड है, टैंक्स है, ग्रेनरीज है, फिश पॉन्ड्स है, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। ये सारी हमें लैंड में देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें लैंड्स में ही होती है। ठीक है, तो जो भी ये लैंड को रिसीव करेगा हम उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी टैक्स कलेक्ट, जो भी हम टैक्स इम्पोज करेंगे, ये जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स है एज अ फाइन लेंगे। ठीक है, जो भी टैक्स होगा बीटल लीव्स पे, वुवन क्लोथ्स पे, एज वेल एज ऑन द व्हीकल्स, इन सभी पे टैक्स लगेगा। वो बड़े बड़े घर भी बना सकता है। ठीक है, एक अपर स्टोरी बना सकता है जिसको बेक्ड ब्रिक्स की बना सकता है। ठीक है, वो बड़ा और छोटे छोटे वेल्स भी उसमें डक कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो वो पौधे भी प्लांट कर सकता है, थोड़ी बुशेज पे प्लांट कर सकता है, अगर नेसेसरी है तो कनाल भी उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, बट उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी वेस्ट नहीं हो रहा है एंड द एम्बैकमेंट्स आर बिल्ट। ठीक है, तो यूजुअली जो भी 12th सेंचुरी थी उसमें लंबे लंबे संस्कृत के पोइम्स लिखे जाते थे उन किंग्स के ऊपर, हिस्ट्री के किंग्स के ऊपर जिन्होंने कश्मीर के ऊपर राज किया। ठीक है, वैसा ही एक ऑथर है जिन्होंने कंपोज किया है, उनका नाम है कल्हाना। ठीक है, तो उन्होंने इतने सारे सोर्सेज पढ़े, इतने सारे इंस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स और बहुत ही सारे मतलब अर्ली हिस्ट्रीज पढ़ी अपना एक अकाउंट लिखने के लिए। जबकि जो प्रशस्ति थी वो क्रिटिकल होती थी, मतलब जो भी रूलर और उनकी पॉलिसीज थी उसी का उनमें लिख दिया जाता था। ठीक है, वेल्थ वेल्थ एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। देखो हम लोग, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो भी पर्टिकुलर, जो भी उसको, जो भी पर्टिकुलर जगह पे एक राजा रूल कर रहा होता है, उसी सेम टाइम पे वो और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, उस एरिया को भी कवर करने की कोशिश करता है जो इसके एरिया में नहीं आता है। ठीक है, जैसे एक प्राइज्ड जगह है, काफ़ी प्राइज्ड जगह है जो कि है कन्नौज, जो कि गंगा वैली में है। ठीक है, सेंचुरी 100 सालों से रूलर्स है, वो गुजरारा प्रतिहारा के हो, राष्ट्रतुका हो, राष्ट्रकुटा हो, पाला डायनेस्टीज को हो, कन्नौज के लिए उन लोगों ने लड़ाइयाँ की है क्योंकि वो 3 पार्टीज थी, तो बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ। हिस्टोरियंस ने उसको एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से डिस्क्राइब किया। ठीक है, जो भी रूलर्स थे वो पावर और जो भी उनकी पावर थी, उनकी रिसोर्स थी, उसको डिपिक्ट, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवा दिया करते थे। ठीक है, सो जब भी वो दूसरे जब दूसरा किंगडम उन पर अटैक करता था तो वो जो बड़े टेम्पल्स थे ना उनको बेसिकली ज़्यादा, उन जगहों को ज़्यादा चूज़ करता था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर्स होंगे। ठीक, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होंगे। ठीक है, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली रिच। वैसा एक रूलर था मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान का, तो उन्होंने एक उन्होंने सब कॉन्टिनें हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था इसको 17 बार कॉन्कर करने की कोशिश की, एक रिलीजियस मोटिव्स है। ठीक है, जो भी वेल्दी मोटिव्स थे जिसमें जो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है वो भी इंक्लूडेड था। उसके अलावा मोहम्मद मतलब एक मतलब गजनी की कैपिटल सिटी को और ज्यादा स्प्लेंडेड करना चाहता था। ठीक है, उसके अलावा जो और हमें उस टाइम पे देखने को मिलते हैं लोग, डेट आर द चहामनाज, जिनको आज हम चौहान्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि दिल्ली, जो कि दिल्ली और अजमेर पे काफ़ी टाइम पहले से ही रूल करते आ रहे हैं, वो अपना जो अपना जो कंट्रोल है वेस्ट से ईस्ट तक वो एक्सपेंड करा है उन्होंने उन्होंने बट देवर अपोज बाय द चालुक्यास, गुजरात के जो चालुक्यास थे उनको उन्होंने उनको अपोज किया, और जो गढ़ावालास थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जो चहमना रूलर जो थे पृथ्वीराज थ्री उनको डिफीट करा एक अफगान रूलर ने जिनका नाम था सल्तन मोहम्मद गौरी इन 1191। सो बट ही लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1992। ठीक है, अब हम चोलास के बारे में एक क्लोजर लुक चोलास को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम उरायर टू थंजावुर, देखो चोलास को पावर कैसे मिली। एक माइनर चीफली फैमिली थी जिसका नाम था मुत्तरयार। ठीक है, जो कि कावेरी डेल्टा में काफ़ी पावर में था। उनका सबॉर्डिनेट था जो पल्लवा किंग्स थे कांचीपुरम के, विजयालया, जो कि मतलब एंशियंट चीफ फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, वो भी चोला की ही फैमिली थे, फ्रॉम उरेयूर। उन्होंने कैप्चर किया कि जो भी डेल्टा है, मतलब जो भी मतलब मुत्रेयर का डेल्टा है उसको उन्होंने 19th सेंचुरी में उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर फिर उन्होंने थंजावुर का एक टाउन बनाया और गोडेस
निशुंभ सुदिनी का एक टेम्पल बनाया, निशुंभ सुदिनी का उन्होंने एक मंदिर वहां पर बनाया बड़ा सा, ठीक है। जो भी विजयालय ने अपने साथ साथ में अपनी नेबरिंग रीजन्स को भी कॉन्कर किया सक्सेसफुली, और अपना किंगडम्स को पावर और साइज दोनों में ग्रो किया। उसके अलावा जो पांड्यांस थे और जो पलवा टेरिटरी थी साउथ की और नॉर्थ की, उन्होंने भी अपना अपना किंगडम ग्रो कर लिया, ठीक है। राजा राजा वन राज राज वन जो कि चोला के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर कंसीडर किए जाते हैं, वो 985 में किंग बने, और उन्होंने अपने एरिया को मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। उसके अलावा राज राज का बेटा राजेंद्र वन ने अपनी अपनी ये पॉलिसी चलाती रही और गंगा वैली का पूरा इन्वेड कर लिया, श्रीलंका और जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज थी उनको भी, और एक नेवी बना दी, ठीक है। इस एक्सपेडिशन के लिए एक नेवी भी इन्होंने डेवलप कर ली। उसके अलावा आते हैं कि कैसे हमारे मंदिर है और कैसे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स है। देखो, जो भी थंजावुर और जो भी गंगाईकोंडा का बड़े बड़े मंदिर थे चोलापुरम में, जो कि राजा राजा राजेंद्र ने बनाए दिए, वो बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चुरल थे और उनके बहुत ही स्क्रप्चरल मार्वल्स थे वो। देखो, एक टेम्पल का यहाँ पे फोटो दिया गया है, देखो इसका आर्किटेक्चर कितना फाइंड है, ठीक है। जो चोला टेम्पल थे वो न्यूक्लियाई सिस्टम बने और बहुत ही मतलब उनके अराउंड अराउंड उन्होंने ग्रो किया, ठीक है। वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का एक सेंटर बन गया था क्योंकि इतने फाइन उसमें क्राफ्ट की जाती थी। जो टेम्पल्स थे वो मतलब जो भी रूलर्स की जो लैंड थी उन्हीं पे उसमें बनाया जाता था। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस लैंड वेंट टू, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स थे इस लैंड के, वो मेंटेन जो भी मतलब जो भी उन मंदिर पे काम करते थे, टेम्पल को जो भी मेंटेन करके रखते थे, जैसे प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एक्सेट्रा, इन सभी को उन्होंने स्पेशलाइज चूज करते थे वो, ठीक है। उसके अलावा जो मंदिर थे वो वर्शिप की जगह कम बट एक इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल लाइफ का सेंटर ज़्यादा बन गया था, ठीक है। जो भी क्राफ्ट था इस टेम्पल से एसोसिएटेड वो ब्रॉन्ज इमेजेस में बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव था। जो चोला ब्रॉन्ज थे जिनकी जो कि चोला ब्रॉन्ज पे जो भी आर्ट किए जाती थी वो फाइन है, वो मतलब चोला का जो ब्रॉन्ज होता था वो दुनिया का सबसे फाइनेस्ट, उसको सबसे फाइन ब्रॉन्ज उसको बोला गया, ठीक है। वाइल ज़्यादातर जो डिटीज के जो इमेजेस थे, जो भी डिवोटीज थे, वो सारे इन्हीं पे बनाए जाते थे। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, देखो चोलाज को काफ़ी सारी अचीवमेंट्स मिली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी। अगर हम देखें तो कावेरी नदी की जो भी ब्रांचेस थी, जो जगह 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 जग पे फैली हुई है, बे ऑफ बंगाल में भी, उधर भी हमें काफ़ी एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ये चैनल्स जो हैं वो मतलब ये जो भी चैनल्स है ना, ये सोइल को मतलब क्योंकि वो नदी के बैंक में थी तो सोइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती थी, ठीक है। जो वाटर थे मतलब काफ़ी नेसेसरी मॉइस्चर मिल जाता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसीलिए राइस की कल्टीवेशन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ऑल्दो जो भी एग्रीकल्चर था उन्होंने तमिलनाडु जैसे पार्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है, 5th या 6th सेंचुरी में। और उसके अलावा उसमें लार्ज स्केल कल्टीवेशन भी लार्ज स्केल कल्टीवेशन भी हमें देखने को मिलता है। फॉरेस्ट क्लियर कर दी गई रीजन्स में, लैंड मतलब लैंड को लेवल कर दिया गया एरियाज में, ठीक है। जो भी डेल्टा रीजन्स था जैसे एम्बैकमेंट, मतलब जो भी एम्बैकमेंट था डेट हैव टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लडिंग, मतलब फ्लडिंग से उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत थी, ऐसा ना हो कि सारी हमारी जो ज़मीन है वो बह ही जाए उसके साथ, है ना। उसमें भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत थी। मेनली दो मेन क्रॉप्स उगाई जाती थी उस टाइम पे साल में। ज़्यादातर केसेस में ये नेसेसरी था कि जो भी वाटर क्रॉप्स है उनको मतलब ध्यान उन पर रखा जाए, ठीक है। एक वैरायटी ऑफ मेथड, अलग अलग तरीके से इरिगेशन यूज़ किया जाती थी, जैसे आप उससे कुएं से पानी निकाल सकते हो, या फिर और भी अलग अलग तरह अलग अलग जगह पे ह्यूज टैंक्स बना दिए गए, कुछ जगह पे रेन वाटर ही था, ठीक है। रिमेंबर डैट इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग लेबर और रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मेंटेनिंग दिस वर्क डिसाइडेड हम कैसे वाटर शेयर करना है, कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे पानी जाएगा। उसके अलावा नए रूलर्स हैं, नए रूलर्स भी आते हैं, तो जब नए रूलर्स आते हैं तो लोगों का जो भी इंटरेस्ट है ना उन एक्टिविटीज़ में वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। खासकर लोग उस टाइम पे गाँव पे रहा करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर,
एक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज के साथ किया जाता था। जो भी पेरेंट्स थे उनके लिए वेरियस सेटलमेंट्स बना दी जाती थी जिनको बोला जाता था और ठीक है, जो कि जिसकी वजह से इरिगेशन की फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमें इजीली मिल जाया करती थी। ठीक है, ऐसी ग्रुप्स उन्होंने बना दिए गए विलेजेस में जिनको नाडू का नाम दे दिया गया। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज जिसमें सारे मतलब जैसे जस्टिस और कलेक्टिंग टैक्स जैसे काम उसमें किए जाते थे। ठीक है, जो भी रिच पीजेंट्स थे वो कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अवेयर ऑफ नाडू अंडर द सुपरवाइजेशन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। सेंट्रल चोला गवर्नमेंट की सुपरवाइजन में ही चीज़ें हुआ करती थी। जो भी चोला किंग थे वो बहुत ही रिच लैंड ओनर हुआ करते थे और उनको मूवेंदवलन जैसा टाइटल उन्हें दिया गया, जैसे आरियार चीफ, और एज मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड दैम विद इम्पोर्टेंस ऑफिस टू स्टेट एट द सेंटर। अब टाइप्स ऑफ लैंड देखो, जो चोला है उनके जो इंस्क्रिप्शन थे उनको सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड में डिवाइड किया गया। जैसे द वेलानवागी, ये वो है जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते थे। ब्रह्मादे, ये लैंड वो है जो ब्राह्मण्स को एज अ गिफ्ट मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द शाला भोगा, ये वो लैंड है जो स्कूल वगैरह की मेंटेनेंस के लिए रखा जाता था। उसके अलावा देवदाना या फिर तिरुन्नमुत्तिकनी, डेट वॉज जो कि टेम्पल्स के लिए जो लैंड गिफ्ट कर दी जाती थी। उसके अलावा पल्लिछंदम जो कि जैन इंस्टीट्यूट के लिए डोनेट किया जाता था। ठीक है, ब्राह्मण्स को जैसे हमने बोला कि लैंड उनको गिफ्ट कर दी जाती थी, उनको ब्राह्मण का नाम दे दिया गया था। एज अ रिजल्ट जो कावेरी वैली जो थी उसमें बहुत सारे ब्राह्मण हमें सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन साउथ इंडिया। ठीक है, जो भी ब्राह्मण थे उनको मतलब एक असेंबली की जाती थी, एक सभा होती थी ब्राह्मण लैंड लैंड होल्डर्स की। ठीक है, सो ये इसमें जो भी इंस्क्रिप्शंस को लेके जो भी डिसीजंस है, कैसे कैसे टेंपल्स का क्या क्या मतलब वॉल्स पे क्या स्टोन लगेगा वगैरह वगैरह सारा यहाँ पे डिस्कस किया जाता था। उसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते थे जिनको नागारांस बोला जाता था, वो बेसिकली इन इन एडमिनिस्ट्रेशन को फंक्शन किया करते थे टाउन्स। ठीक है, उतेरा मेरूर इन चिंगलेपुत डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एक हमें डिटेल प्रोवाइड करती है कि कैसे ये सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, सभा में सेपरेट कमेटीज हुआ करती थी जो कि इरिगेशन, गार्डन, टेंपल, ऐसे अलग अलग कमेटी अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया करती थी। ठीक है, जो भी एलिजिबल मतलब जो भी मेंबर्स थे जो इस कमेटी में थे उनका एक स्मॉल टिकट होता था जो कि एक पाम की लीफ में लिखा जाता था। ठीक है, ये जो भी टिकट है ये अर्दनवर पॉट में रखा जाता था फ्रॉम विच अ यंग बॉय वॉज आस्क टू टेक आउट टिकट्स वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। ठीक है, तो वो एक यंग बॉय टिकट निकालता था जिस जिसका नाम आता था डैट वो उनका वो बन जाया करते थे मेम्बर। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट देखो, एक कोई कोई भी सभा का मेंबर कैसे हो सकता है। द उत्तेरम उरुपुर इंस्क्रिप्शन ले डाउन, ऑल दोस हु विश टू बिकेम द मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओन्ड अ लैंड ऑफ विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। एक ये कि ऐसी लैंड होनी चाहिए जिससे लैंड रेवेन्यू आता है उनके, और अपने घर होने चाहिए, उनकी एज 35 से लेकर 70 तक की होनी चाहिए, उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, वो वेल वर्स होने चाहिए, उनको एडमिशन मेट उनको मतलब एडमिशन मैटर्स और वो ऑनेस्ट भी होने चाहिए। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि मेंबर की वो मतलब लास्ट या 3 ईयर्स किसी भी कमेटी में उनको मेंबर होना ज़रूरी है। ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ एनदर कमेटी। ठीक है, एनी वन हु हैज़ टू सबमिटेड हिज अकाउंट ऑफ दोज हिज रिलेटिव कैन नॉट कंसेंट द इलेक्शंस। ओके, समझ रहे हो आप। उसके अलावा वाइल इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द किंग्स एंड पावरफुल मैन वेयर द एक्सेप्शन फ्रॉम द प्रिया पूर्णम और 12th सेंचुरी तमिल वर्क विच इन्फॉर्म्स डैट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो आदनूर की एक आउटस्कर्ट है जहाँ पे एक स्मॉल हमें देखने को मिलता है, एक स्मॉल हेमलेट ऑफ पुलाइयास। ठीक है, तो वहाँ पे छोटे छोटे हट्स हैं, लोग थेच में रहा करते हैं, इनहेबिटेंट है, लेबरर एंगेज है और काफ़ी अलग इनको हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनके हट्स जो है वो फटी हुई लेदर से बनी हुई है, छोटे छोटे चिकन्स है जो उनकी जो कि ग्रुप्स में ऐसे घूम रहे हैं, डार्क चिल्ड्रन है जो कि ब्लैक आयरन ब्रेसलेट पहने हुए हैं। ठीक है, प्रिंसिंग अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज।
कैरिंग लिटिल पपीज, मतलब छोटे छोटे पपीज को उन्होंने उठाया हुआ है। मरुदों के ट्री में एक फीमेल लेबरर अपने बेबी को सुला रही है लेदर की शीट में, ठीक है। वेयर द मैंगो ट्री फ्रॉम हुज ब्रांचेस ड्राम्स आर हैंगिंग, ठीक। उसके अलावा एक कोकोनट का पाम है, एक लिटिल हेलो है ग्राउंड में, टीनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग, द रेड क्रेसेट रॉक्स क्रॉड बिफोर डाउन कॉलिंग द ब्रेवरी पुलियार ऑफ द डे वर्क एंड बाय डे। जैसे जैसे कांजी ट्री का एक शेड है, वहाँ पर एक वेवी हर्ड पुलिया वुमन कुछ गा रही है, ठीक है। वुमन सिंगिंग एज दे हस्किंग पैडी, ओके। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।